अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं कोफा में हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में और एक मज़ार है जिनको जो है उरवा कहते हैं। तो दो मज़ारें आजू बाजू में हैं, तो दोनों मज़ारात की इंशाल्लाह मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा। दोनों ज़ियारत देख लें, इंशाल्लाह ज़ियारत करें। आप लोगों के हक़ में दुआ भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो पूरे मस्जिद की इंशाल्लाह मैं आपको ज़ियारत कराऊँगा। मैं इस वक्त जो है कोफा में हूँ। कोफा में इंशाल्लाह हम लोग ये दो मज़ारात की इंशाल्लाह हम लोग ज़ियारत करेंगे। हज़रत अली के जो चचाजात भाई भी हैं इंशाल्लाह, वो उनकी मज़ार शरीफ है मुस्लिम बिन अकील की, इंशाल्लाह हम लोग ज़ियारत। ये हज़रत मुस्लिम बिन अकील की जो है ये बारगाह है। ये सारा मंज़र आप माशाल्लाह देख रहे हैं। ये मज़ार शरीफ यहाँ पर है। यहाँ पर जो है यहानी बिन उरवा की जो है मज़ार शरीफ है, और यहाँ पर मुस्लिम बिन अकील की मज़ार शरीफ है। तो इंशाल्लाह मैं आपको उन मज़ारात की ज़ियारत कराऊंगा। नाज़रीन, ये मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार शरीफ है जो कोफा में है। तो यहाँ पर दो मज़ार शरीफ हैं और दीगर बहुत सारे ज़ियारतें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो भी ज़ियारतें कराऊँगा। तो नाज़रीन, ये मुस्लिम बिन अकील जो है ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो थे, ये इनके सफ़ीर बनकर कोफा सबसे पहले आए थे। तो जो यजीद था, यजीद पलीद, सबसे पहले इंशाल्लाह मुस्लिम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मज़ार की इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे। ये देखें, बिल्कुल आसपास में ये मज़ारात हैं। बैत करने का झूठा इरादा इसने किया। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने की नीयत से इसने जो है एक हुक्म भेजा कि आप जो है वो कोफा आ जाएं और हम लोग जो है आपके साथ बैत करेंगे। ये झूठी ख़बर इसने भेजी। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु क्या किए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ करे कि आप मत जाइए, पहले सबसे पहले मैं वहाँ का जायज़ा लेता हूँ, वहाँ के हालात को देखता हूँ, उसके बाद आप जो है आ जाना। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो है एक साथी को लेकर जो है कोफा रवाना हो गए। तो यहाँ आने के बाद जो है सारे यजीद जो थे उस वक्त के कोफा के, तो वो जो है ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैत करने के लिए राज़ी, और ये झूठा वादा करते हैं और झूठ बोलते हैं कि हम लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अब बैत करेंगे, सारे हमारे झगड़े यहाँ को ख़त्म हो गए। तो मुस्लिम बिन अकील यहाँ के पूरे हालात देखने के बाद ये फिर जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है एक सफ़ीर के ज़रिए पैगाम पहुँचाने के लिए भेज देते हैं। तो इनको यहीं पर रख देते हैं। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील जो है कोफा में रुक जाते हैं और एक सफ़ीर को जो है वो हुक्म भेज देते हैं कि आप आ जाइए कोफा को, और ये आपके साथ बैत करने के लिए राज़ी है। तो क्योंकि माहौल देखने के बाद हालात सही लगते हैं उनको, तो भेज देते हैं। तो मुस्लिम बिन अकील का जो सफ़ीर जो था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जा रहा था, तो वो चला गया। उसके बाद जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील जो है ये यहीं रुक जाते हैं। तो इनको जैसे वो सफ़ीर चला जाता है, तो धोखे से जो है मुस्लिम बिन अकील को जो है यजीद यहाँ पर शहीद कर देते हैं। तो वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जो है ये सफ़ीर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुस्लिम बिन अकील ने आपके लिए जो है वो अर्ज़ किया है कि आप कोफा आ जाइए, वहाँ पर हालात सही है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो कोफा निकल जाते हैं पूरे अपने कुंबे के साथ। ये याद रखें कि ये जंग के हालात में नहीं होते, जंग करने के इरादे से नहीं चले होते, बल्कि ये जो है बैत करने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर से ये निकल जाते हैं। तो ये कोफा निकल जाते हैं। तो ये सफ़र करते 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 इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो करबला तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम बिन अकील को जो है वो धोखे से बुलाकर शहीद कर दिया जाता है, और सफ़ीर के ज़रिए जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम पहुँचा दिया जाता है। तो वो भी निकल चुके होते हैं, वो करबला तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर यजीद जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील को जो है यही मकाम पर जो है वो शहीद करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ज़ियारतें आपको जो है वो देखने को भी मिलती हैं, वो इंशाल्लाह आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आप इस वीडियो में जो है मुस्लिम बिन अकील की मज़ार शरीफ भी देख लीजिएगा,
और दीगर यहाँ की इस मस्जिद की कूफा मस्जिद का जो है वो ज़ियारत भी कर लें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये। आप जब बगदाद शरीफ आते हैं, करबला, नजफ, कूफा, ये सब ज़ियारतों में आपको ये भी ज़ियारत करा दी जाती है। बहुत सारे और ज़ियारतें इसी मस्जिद में हैं। इंशाल्लाह मैं आगे की वीडियोज़ में आपको सारी ज़ियारतें कराऊँगा। तो यहाँ पर जो है दो मज़ारे हैं, वो इंशाल्लाह आप इस वीडियो में देखेंगे। तो ज़ियारत भी करते जाइएगा और इसका लुत्फ भी उठाते रहिए। ये यहानी बिन उरवा की मज़ार शरीफ है यहाँ पर, और इसके अपोज़ में ये जो है मुस्लिम बिन अकील की मज़ार शरीफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। तीन ये था कुछ कूफा में ज़ियारतें, मुस्लिम बिन अकील की मज़ार शरीफ और यहानी बिन उरवा की मज़ार शरीफ। तो ये जहाँ पर कुछ मकामात की आप लोगों को ज़ियारत मैंने करा है। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके, कमेंट्स करके और शेयर करके ज़रूर बता दीजिएगा।